गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर मंजू बाला यादव एसोशिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा टुडे वी विल स्टडी अबाउट दी फोटो सेंसिटाइज रिएक्शंस दिस इज पार्ट ऑफ फोटो केमिस्ट्री चैप्टर अभी तक हमने फोटो केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था जिसमें कि एनर्जी एबजॉर्ब करके मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर वो जो है एक्साइटेड स्टेट से जो है या तो वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है जो कि हमने जब लॉन्स के डायग्राम्स में पढ़ा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस एंड रेडिएटिव ट्रांजिशंस और या फिर वो जो है फोटोकेमिकल चेंजेस दे देता है अब हम फोटोसेंसटाइज रिएक्शंस के बारे में पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटैंसेज होते हैं जो कि खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करके पर वो उस एनर्जी को वो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ख़ुद उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते सिर्फ उनका रोल क्या रहता है कि वो मतलब एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके और जो दूसरे रिएक्टेड मॉलिक्यूल हैं जो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा उसको वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अगर हम इसको देखें तो देर आर सर्टन रिएक्शंस विच आर नॉट फोटोन सेंसिटिव डायरेक्टली बट दे कैन बी मेड सेंसिटिव By adding a small amount of certain other materials which can absorb light themselves and stimulate the reaction without taking part in the reaction, तो ये जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और फोटॉन सेंसिटिव होते हैं और आ, ये अब्जोर्ब लाइट करके और रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। Such an added foreign molecule is known as photosensitizer.

में हम इसका रोल बिल्कुल अच्छे से समझें कि एब्जॉर्ब लाइट करता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर अपनी पास ऑन एनर्जी कर देता है टू द रिएक्टिंग स्पेशी और रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है फोटोसेंसिटाइजर इट्स डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन फ़ोटोसेंसिटाइजर इज डिफरेंट फ्रॉम अ कैटलिस्ट इन अ थर्मल रिएक्शन थर्मल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है उससे ये डिफरेंट है फोटोसेंसिटाइजर जस्ट इनिशिएट्स द रिएक्शन and it has its role only in the primary process, whereas catalyst increases the rate of reaction which is already being going on. तो so, हम हाँ, photosensitizer और catalyst के difference को समझे, catalyst क्या करता है? कोई reaction उसमें उसका कोई role नहीं है चलाने में रिएक्शन अपने आप चल रही है वो केवल उस रिएक्शन में क्या पार्ट लेता है कि उसको फास्ट कर देता है उसका जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है और एज सच वो रहता है जबकि फोटो में क्या है कि उसका रोल है वो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है और उसका रोल जो है प्राइमरी प्रोसेस में है ठीक है उसके बाद उसका रोल फिनिश हो जाता है आप हम इसके अगर एग्जाम्पल देखें फोटो रिएक्शंस के तो सबसे पहले एग्जाम्पल है इसका रिएक्शन सेंसिटाइज बाय मर्क्यूरी वेपर्स हमने बताया और मर्क्यूरी जो हैं वो क्या करते हैं फोटो सेंसिटाइजर्स का काम करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन सेंसिटाइज बाय मर्क्यूरी वेपर्स मर्करी जो है फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके और मर्क्यूरी एक्टिवेटेड हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और ये एक्साइटेड स्टेट मर्क्यूरी जो है ये अपनी एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे देता है ए मॉलिक्यूल को दे देता है जो कि एनर्जी लेके खुद एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाता है और मर्क्यूरी वैसे ही सिंपल अपना एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरकरी जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा एक्टिवेटेड स्टेट में आ गया और वो अब जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उनके साथ रिएक्शन करेगा तो एक्टिवेटेड या एक्साइटेड मर्क्यूरी प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स यू एच प्लस टू एच ओके अब ये जो एच है इसने अपनी एनर्जी मतलब वो ले ली है मर्क्य से और ये एच आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एच सी ओ मॉलिक्यूल बना देता है अब ये एच सी ओ जो है ये दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एच सी एच ओ प्लस एच बना देता है और फिर दो मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं एच सी ओ के मिल के आपको एच सी एच ओ प्लस सी ओ दे देते हैं और ये दो मॉलिक्यूल्स एच सी ओ के हमको जो है या ग्लाइऑक्सल दे देते हैं एच सी ओ सी एच ओ तो इस प्रकार से हमने देखा कि मरकरी जो फोटोसेंसिटाइजर है वो रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनके बीच में इनिशिएशन करती है और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है जिससे रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है और हमको जो है ग्लायोक्सल मिल जाता है अब है थर्ड डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एक्टिवेटेड या एक्साइटेड मकड़ी जो है अमोनिया के साथ मिक्स के और अमोनिया को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और खुद ग्राउंड स्टेट मकरी में आ जाता है एक्साइटेड जो अमोनिया है वो एन एच टू प्लस एच एंड देन एच प्लस एच गिव्स यू एच टू एन एच टू प्लस एन एच टू गिव्ज यू हाइड्रोजीन एंड टू एच फोर एन टू एच फोर प्लस एच गिव्स यू अमोनिया प्लस एन एच टू एंड दैन एन एच टू प्लस एन एच टू गिव्स यू एन टू प्लस टू एच टू ओके तो इस प्रकार से डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया जो है उसमें भी हम देख रहे हैं जो हमारा फोटो सेंसिटाइज़र है वो मर्करी मॉलिक्यूल ही है मर्करी है और वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके रिएक्शन अमोनिया के डिसोसिएशन को इनिशिएट कर देता है और हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाता है अब फोर्थ इज द रिएक्शन सेंसिटाइज बाय क्लोरोफिल क्लोरोफिल Uh, जो है फोटोन एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल एक्टिवेटेड एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ वो क्लोरोफिल एक्साइटेड के साथ मिक्स होके हमको आपका ग्लूकोस मॉलिक्यूल सी सिक्स एच और सिक्स ओ टू देते हैं और साथ में क्लोरोफिल जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाती है अपनी एनर्जी दे के तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस जो हैं वो वो क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल होता है तो इसमें क्लोरोफिल ही जो है वो फोटोन एब्जॉर्ब लाइट करता है और वो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करता है लास्ट इज़ इन यूरेनाइल एक्टिनोमीटर यूरेनाइल आइंस एक्ट एज फोटोसेंसीटाइजर जो यूरेनाइल एक्टिनोमीटर है उसमें यूरेनाइल आइंस जो हैं वो फोटोसेंसीटाइजर का काम करते हैं यूरेनाइल आयन एब्जॉर्ब द फोटोन और ये यू ओ टू टू प्लस एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन जाता है यू ओ टू टू प्लस एक्साइटेड ये जो है आपका ऑक्जिलिक एसिड से रिएक्शन करके हमको सी ओ टू प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर दे देता है और साथ में हमको वापस से ग्राउंड स्टेट में आयन मिल जाता है तो इस प्रकार से हमने फोटोसेंसटाइज रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखे कि हाउ दे ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड इनिशिएट द रिएक्शन अब हम आगे अगर इसको और एक्सप्लेन करें कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में तो हम देखते हैं कि अस कंसीडर अ डोनर एक्सेप्टर सिस्टम इन विच ओनली द डोनर इज द सेंसिटाइजर एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट फोटोन एंड द ट्रिपलेट स्टेट ऑफ द डोनर इज़ हायर इन एनर्जी देन द ट्रिपलेट स्टेट ऑफ एक्सेप्टर ए दैट इज़ द रिएक्टेंट ठ ठ ठ ठीक है तो यहाँ पर हमने डोनर एक्सेप्टर सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है जिसमें डी जो है डोनर है जो कि सेंसीटाइजर uh, है सेंसिटाइजर uh, जो है मॉलिक्यूल वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करके ट्रिपलेट स्टेट पहले सिंगलट स्टेट में जाता है दिस इज द हायर एक्साइटेड सिंगलट स्टेट फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर वो अपनी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है एक्सेप्टर को और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है तो इस प्रकार से जो है हम कहते हैं कि ये डोनर सेंसिटाइज जो हमारा सेंसिटाइजिंग मॉलिक्यूल है फोटोसेंसिटाइज़र है वो अपनी एनर्जी किस प्रकार से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल या रिएक्टेड मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इंटरसिस्टम क्रॉसिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द डोनर और फिर वो खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और अपनी एनर्जी जो है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे देगा जो ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट में चला जाएगा अब हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट ऑफ की जो एनर्जी है डोनर uh, की ट्रिपलेट स्टेट ऑफ जो जो डोनर है इट इज़ हायर इन एनर्जी देन द ट्रिपलेट स्टेट ऑफ द एक्सेप्टर दोनों की अगर हम एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं Uh, किसकी आपके डोनर uh, की और एक्सेप्टर की तो डोनर की uh, जो एनर्जी है ट्रिपलेट uh, स्टेट um, की वो ज़्यादा है देन द एक्सेप्टर अब इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल द ट्रिपलेट दिस एक्सेप्टर इट गिव्स द डिजायर प्रोडक्ट द इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन इफ हाउ एवर द प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम थ्री अगर हमारा जो है रिजल्ट कहाँ से आ रहा है जो हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है वहीं से अगर हमारा प्रोडक्ट बन गया तो एक्सेप्टर हम मानते हैं कि वो क्वेंचर के रूप में है और इस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग बोलते हैं ठीक है तो अगर कंडीशन फेवरेबल होंगे तो जो हमारा एक्साइटेड एक्सेप्टर uh, ये ट्रिपलेट एक्साइटेड ट्रिपलेट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड स्टेट में वो डिज़ायर प्रोडक्ट्स दे देगा और इस प्रोसेस को हम फोटोसेंसिटाइजेशन बोलेंगे पर अगर प्रोडक्ट जो है थ्री आ, मतलब थ्री से ही आ जाता है जो हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है डोनर का उसी से आ जाता है तो वहाँ पर ए जो है उसका रोल सिर्फ क्वेंचिंग में आएगा तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो हमारा सिंगलेट डोनर था वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिंगलेट डोनर बन गया हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला गया फिर ये हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से उसने अपनी एनर्जी जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दी और ख़ुद वो ग्राउंड स्टेट में चला गया वापस से और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो ट्रिपलेट स्टेट में आ गया तो अगर ये थ्री ए हमारे जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है आ, आपका एक्सेप्टर का अगर वो प्रोडक्ट देता है तो ये तो फ़ोटो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस है और अगर सिर्फ डोनर ही दे रहा है तो वहाँ पर ये क्वेंचिंग प्रोसेस है और वहाँ पर ए जो है वो क्वेंचर है इस प्रकार से हम आ, समझा सकते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन को ठीक है अब अगर हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखें फ़ोटो केमेस्ट्री के सिंपल तो फर्स्ट is कैलकुलेट the एनर्जी ऑफ वन आय स्टीन एट 8000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग एनर्जी पर एट एट थाउजेंड तो हमको एनर्जी पर आइंस्टीन निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है एन एच न्यू एन इज़ अ एवगेड्रोज नंबर एच इज़ अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एन न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी इसको हम अगर लैमडा में कन्वर्ट करते हैं तो सी बाय लैमडा हो जाएगा तो एन एच सी बाय लैमडा अब एन की वैल्यू रखो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री प्लैंक्स की सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन स्पर माइनस ट्वेंटी सेवन और लाइट की थ्री इंटू टेन स्पा टेन ठीक है इन सेंटीमीटर्स और थ्री पॉइंट लाइट की जो वेलोसिटी होती है थ्री इंटू टेन स्पा टेन सेंटीमीटर्स है और ये हमारा एट थाउजेंड इंटू टेन स्पा माइनस एट जो है वो आपका एनस्ट्राम में हमने इसको कर दिया ठीक है ये भी आपका जो है सेंटीमीटर्स में होगा अब इसका जो रिज़ल्ट आ जाता है वो 1.49 पॉइंट फोर नाइन इंटू टेन ट्वेल्व अर्ग्स आ जाता है ठीक है वो नंबर इंटू ब्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू बेलॉसिटी ऑफ लाइट अपॉन ये एंगस्ट्रॉम को आपने चेंज कर दिया सेंटीमीटर्स में तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा अर्ग्स में आएगा है न सेकेंड न्यूमेरिकल है अ सब्सटेंस व्हेन विजॉल्व इन वाटर अ टेनिस माइनस थ्री एम कंसनट्रेशन एब्जॉर्ब टेन परसेंट ऑफ एन इंसिडेंट रेडिएशन इन अ पार्थ ऑफ वन सेंटीमीटर लेंथ वॉट शुड बी द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन टू एब्जॉर्ब 90 परसेंट ऑफ द सेम रेडिएशन एक सब्सटेंस है जिसको कि हमने डिजॉल्व कर दिया है वाटर में और उसकी कंसनट्रेशन टेनिशो माइनस थ्री एम है और वो टेन परसेंट ऑफ़ द इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और पाथ लेंथ वन सेंटीमीटर है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए अगर वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द सेम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा जो फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस का लॉक आई ज़ीरो बाई आई इज इक्वल टू ई बी सी तो फर्स्ट केस में ई e जो हमारा मोल एक्सटेंशन कोविशेंट है बी पाथ लेंथ है और सी कंसनट्रेशन है तो अगर फर्स्ट केस हम देखें तो ए टेन परसेंट एब्जॉर्बन है तो हमारा आई बाई आई ज़ीरो जो है वो क्या हो जाएगा नाइन्टी परसेंट हो जाएगा एबज 10% टेन परसेंट है तो ट्रांसमिशन नाइन्टी परसेंट हो गया बी जो हमारा 1 है हमारा वन सेंटीमीटर है कंसनट्रेशन हमारी टेनिस माइनस थ्री मोर पर डेसीमीटर क्यूब है तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो लॉग हंड्रेड बाय नाइन्टी हो गया है ना जो है लॉग आई जीरो बाय आई जो है वो हंड्रेड बाय नाइन्टी हो गया इंटू इज इक्वल टू ई बी सी वन ठीक है आप सेकेंड केस में नाइन्टी परसेंट एब्जॉर्प्शन है तो आई बाई आई ज़ीरो टेन परसेंट हो गया और अगर हम सी टू uh, को मान रहे हैं सेकेंड केस में कंसेंट्रेशन तो हो जाएगा हंड्रेड बाय टेन इज़ इक्वल टू ई बी सी टू आप इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो लॉग हमारा फर्स्ट केस में क्या है हंड्रेड बाय नाइन्टी और नीचे क्या है हंड्रेड बाय टेन इज इक्वल टू क्योंकि ई e और बी जो है वो तो सेम है आपका तो सी वन बाय सी टू अब ये क्या आ जाएगा log हंड्रेड बाय नाइन्टी अपॉन लॉक टेन ये कट गया आपका तो log टेन बच गया पॉइंट जीरो जीरो वन सी टू इसलिए सी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट जीरो जीरो वन इंटू लॉक टेन बाय लॉक हंड्रेड बाय नाइन्टी या पॉइंट ज़ीरो जीरो वन इंटू वन अपॉन लॉक हंड्रेड नाइन्टी अब हंड्रेड बाई नाइन्टी लॉग का मतलब जो है वो log हंड्रेड बाय नाइन्टी इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर फाइव सेवन तो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव सेवन और इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ज़ीरो टू वन एट तो इस प्रकार से हम जो है न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं थैंक यू